मयंक चौहान। क्या मामला हुआ था रात में? मामला ये हुआ था कि मैं बाइक से वो आ रहा था मेला देख के। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग दो लोग थे, बट एक जने उतर के चले गए। वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था, कुछ मतलब हमारे गांव कुछ लोग थे और बाहरी कुछ लोग थे जिनको पुलिस ने भी पकड़ लिया है। विवाद चल रहा था, झगड़ा वगड़ा हो रहा था और इनको मतलब ज़्यादा ही मार रहे थे। मैं बीच बचाव करने के लिए गया था और हमें भी लोगों ने छूला मारा और बेल्ट से भी मारा जो फटा हुआ। किसको मार रहे थे ज़्यादा? वो हमारा एक गांव के चाचा लगेंगे और बिजत कर गए हैं। अच्छा, क्या नाम है? देवेंद्र चौहान नाम है। उनको मार रहे थे? उनको मार रहे थे। और आप बीच में गए? हाँ, हम उनको छुड़ाने के लिए गए तो फिर वो लोग उनको छोड़कर ज़्यादा ही मार दिया था, मरने की स्थिति में आ गए थे। उसके बाद फिर मेरे को फिर पाँच लोग मिल के मारने लगे। कौन कौन मारा आपको कुछ पता है? अब पुलिस ने पकड़ लिया है, अब पुलिस विभाग से जाके ले ली डाटा। कहाँ ये घटना हुई? सिंगाई चट्टी पे। सिंगाई चट्टी पे हुआ था। ये बताएंगे कि जो आपके चाचा लगते हैं उनको क्यों मार रहे थे लोग? अब ये वाला चीज़ हमको नहीं मालूम है, वो लोग खुद कुछ बताए हैं क्योंकि मैं बाद में गया था। और वो चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या किए? जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उन लोगों का नाम और कुछ अता बता जाएंगे? ना, हमको नहीं पता, वो विभाग से मिल जाए। कितने लोग आप लोग को चोट लगी है? हमारे पास तीन लोगों को चोट लगी है जिसमें एक डेथ कर गए हैं और हमको ही मारा गया है और एक हमारे साथ में एक लड़का सुनील चौहान उसको ही मारा गया। थाने में तहरीर हो देती है? सब चीज़ हो चुका है। तहरीर दे चुके? हाँ। के कर तोहार? जय श्री चौहान। जोर से बोला, जय श्री चौहान। थाना पहल बोला था, क्या मामला बा? आए भाई, लड़का मर गया है तो थाना पर जो मौलजी में उसको पकड़वाने के लिए। कौन लड़का मर गया? जो देवेंद्र चौहान। कैसे मर गया? अब छुड़ा लगा था, वो मर गया। कहाँ छुड़ा लगा हुआ था? सिंगाही काली माई के स्थान था। अच्छा, मतलब कितने लोग थे कुछ जानकारी है विधवर? अब पारा पारी वो लोग तीन लड़के गांव का हैं, तीनों को छुड़ा लगा है। अच्छा, इनका क्या क्या नाम है? एक देवेंद्र पुत्र राम प्रीत, मयंक पुत्र रामजीत, सुनील पुत्र जोगिंदर। कितने साल के होंगे सर? 32 वर्ष देवेंद्र, 20 वर्ष मयंक, 18 वर्ष सुनील। कल दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को रात्रि में रसड़ा में सिंगही चट्टी के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला किया गया जिसमें एक लड़के को गंभीर चोट लगी थी, जिसे इलाज हेतु जनपद चिकित्सालय बलिया से वाराणसी रेफर किया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में नामजद दो अभियुक्त गण को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।